हिंदुस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया की जो हाफ इंडियन टीम है वो पूरी फिट ऑस्ट्रेलिया टीम से बेहतर है, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो आपने देख ली हैं। जब बच्चे आके मारेंगे ऑस्ट्रेलिया को तो फिर क्या हाल होगा भाई। किसी का बाप नहीं रोक सकता, और बगैर पांड्या के, बगैर सिराज के, बगैर बुमराह के, और उसके बाद बगैर विराट के, बगैर रोहित के, सबके बगैर इन्होंने लिटा दिया। मतलब यार आवेश खान को लेके वो सीरीज जीत गया, ट्रेवर्स हेड उस टीम में मौजूद। पकड़ के बता के घंटा बजा दिया आपका इंडिया की सी टीम ने, इंडिया की उस सी टीम ने जिसको भाई इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस ही नहीं है, पकड़ के बजा दिया घंटा इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का। भाई जान ये मैं कहता हूँ कि ये इंडिया का टिपिकल टैलेंट है। 5 ओवर तक गेम ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 2-2 कर देगा, लेकिन देन रवि बिश्नोई केम इन, और जिस तरह मैं इस बच्चे को कहता हूं, इस लड़के के दिल नहीं, इसके अंदर शेर का दिल है, लाइंस हार्ट की तरह ये बॉलिंग करता है। तो दिस वाज द यंग इंडियन साइड, दे प्लेड फ्रॉम द स्टार्ट एंड दे वन द फर्स्ट टू मैचेस अगेंस्ट अ मच स्ट्रॉन्गर ऑस्ट्रेलियन टीम। तो देयर परफॉर्मेंस टुडे वाज आउटस्टैंडिंग अगेन। एंड ये जो बंदा है, जो डायनामाइट पॉकेट है ना, जिसका नाम है रिंकू सिंह, यार फिर बड़ी अच्छी इनिंग्स खेल गया आज। ये बिलीव आने के लिए फैंटी खाना बहुत जरूरी है। वो फैंटी हिंदुस्तान में खाई, वो खाई ठीक ठाक किस्म की फैंटी खाई उन्होंने, और उस फैंटी के बाद जिस तरह रीयूनाइटेड हुए हैं पिछले एक महीने के, मैं यही कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान विल विन दिस सीरीज। 175-176 है जो कि 10 से 15 रन कम था, 200 के करीब ये टारगेट डिफेंड किया जा सकता था। रन कम थे यहाँ पर, 10-15 रन कम थे जो लग रहा था, मगर यहाँ पर आपने बॉलिंग से वापस आना था, और बॉलिंग में वापस लाने के लिए मुकेश शादी के फौरन बाद आ गया। इसने अपनी पिच छोड़ के आज इसने बोला कि मैं रायपुर की पिच पे काम उतारने की कोशिश करूंगा पूरा। निकल पाया जरा रिकी पॉन्टिंग, परसों ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गया, भाईजान का स्टेटमेंट आ गया जी, अब ऑस्ट्रेलिया इधर से बाउंस बैक करके सीरीज अपने नाम करेगा, मेरा छनकना अपने नाम करेगा। सामने बाबर आजम की टीम नहीं खेल रही बेटा, सामने इंडिया का टैलेंट खेल रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कल रात इंडिया की यंग टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 40-20 में हराकर 3-1 से ये सीरीज जीत लिया है, और ऐसा लग रहा था कि भाई 175 रन कल पहले इनिंग्स में जब भारत ने बनाया तो ऐसा लग रहा था कि भाई भारत ही मैच हार जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जिस बल्लेबाजी के साथ तीसरे T20 जीत लिया था ऐसा ही लग रहा था, और ऐसा हुआ था भी पहले 5 ओवर में, क्योंकि 3 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का 40 रन से ऊपर रन हो गया था और विकेट कोई भी नहीं गिरा था। लेकिन जिस तरीके से रवि बिश्नोई ने कमबैक कराया और पहले ही बॉल में उन्होंने विकेट झटक लिए, तब जाके एक उम्मीद जगी कि इंडिया ये मैच जीत सकता है, और बाकी जो काम था वो अक्षर पटेल ने तमाम कर दिया। मिडिल ओवर में अच्छे खासे विकेट उन्होंने झटक लिए, पहले 3 ओवर को छोड़ के तो पूरा, बाकी 5 ओवर को छोड़ के पूरा जो ओवर था वो इंडिया के नाम ही रहा। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया और खासकर शोएब अख्तर जमकर तारीफ कर रहा है टीम इंडिया की, तो चलिए वीडियो देखते हैं। मैं मिलता हूं वीडियो के एंड पर। जो कहते थे जितेंद्र शर्मा बेकार खिलाड़ी है, हां अबे मेरी नजर पे सवाल उठाओगे तुम? अबे बजा दी उसने 200 का स्ट्राइक रेट, उसने जिस नंबर पे मारा है ना, 5-5 साल से दुनिया में विकेट कीपर नंबर 1 पे खेल रहे, लेकिन कभी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 200 का स्ट्राइक रेट मेंटेन नहीं किया है। ठीक है यार, जितेंद्र शर्मा के लिए रॉजर मिनी ने आके कहीं नहीं कहा कि इसमें फ्लेयर है। ठीक है, हारिस के लिए कह दिया था रमेश भाई ने, फ्लेयर है इसके अंदर, फ्लेयर। अबे घंटे का रिकी नहीं है इसके अंदर, फ्लेयर कहां से आएगा उसके अंदर? ठीक है, तो जितेश अब ये हार कौन क्यों निकाल रहा था भाई? हर बॉल पे एक तो शर्मा लगा हुआ है, तो 6 तो होगा, शर्मा है तो फिर छक्के तो मारेगा रोहित शर्मा, जितेश शर्मा। अच्छा, अब ये जितेश की बारी नहीं आई थी असल में, मैं आप बताऊं कहां। देखिए, इसने अपना डेब्यू किया एशियन गेम्स में, ठीक है, वहां इसने 3 मैच खेले, बारी नहीं आई, 1 मैच में बारी आई, 1 बॉल पे उसमें भी 5 रन है इसके, 1 बॉल पे भी 5 रन है इसके। तो आप अंदाजा स्ट्राइक रेट का अंदाजा लगा लीजिए, 500 हो गया, 500 का स्ट्राइक रेट के साथ। ये तो बेचारे को सर्वाइवल गेम भी खेलना था, वरना ये बहुत मारता है, 3 ही गेंदों पे 50 भी कर देगा। किसी का बाप नहीं रोक सकता, और बगैर पांड्या के, बगैर सिराज के, बगैर बुमराह के, और उसके बाद बगैर विराट के, बगैर रोहित के, सबके बगैर इन्होंने लिटा दिया। मतलब यार आवेश खान को लेके वो सीरीज जीत गया, ट्रेवर्स हेड उस टीम में मौजूद। 175-176 है जो कि 10 से 15 रन कम था, 200 के करीब ये टारगेट डिफेंड किया जा सकता था। रन कम थे यहाँ पर, 10-15 रन कम थे जो लग रहा था, मगर यहाँ पर आपने बॉलिंग से वापस आना था, और बॉलिंग में वापस आने के लिए मुकेश शादी के फौरन बाद आ गया। इसने अपनी पिच छोड़ के आज इसने बोला कि मैं रायपुर की पिच पे काम उतारने की कोशिश करूंगा पूरा। तो यहाँ ये आया, साथ में अक्षर पटेल था, मुझे ये था कि यार बाकी लोग आवेश कुछ करे ना करे, तू उल्टे आज से कुछ कर दे आज, क्योंकि बैटिंग में आज तुम्हें फिर मौका था, बैटिंग में आज को अच्छा परफॉर्म नहीं हो सका, मगर बॉलिंग में आज ये था कि यार आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर है बिश्नोई, आपको बताया वो आप बाहर प्ले से, मैंने मैथ्यू एडन को बता तो दिया था, 1 हफ्ते पहले बताया था कि अलीगढ़ का 1 ही काफी होता है, एडन चाचा मेरी बात मान लो, नहीं माना। अब मतलब जिस दिन रिंकू की बैटिंग नहीं आई उस दिन इंडिया हारा, और 3 मैच जो इंडिया जीता रिंकू इन मैच विन, 60 के एवरेज पे आपकी 3 मिनट गिर गई है भाई, 60 पे 60 बट टू मी टुनाइट मतलब बिलोंग्स टू जितेश शर्मा, क्योंकि जितेश शर्मा रेगुलर नहीं है, आज अचानक आउट ऑफ द बॉक्स खेला, मेरी पहली बारी ले रहा है यार, 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, ये होती है फियरलेस अप्रोच। एक बात और बताऊं आपको मैं, ये दुनिया का शायद वाइस फर्स्ट क्लास क्रिकेटर होगा, 100 मैच 101 छक्के जितेश ना, 20 में 100 T20 आए, इसमें 2228 रन है इसके जनाब, पर 100 मारा है और
23 तकरीबन 50 मारे और उसके ऊपर मैं ये बता दूं। नहीं भी मारे होते तो बता दिया ना क्या प्लेयर है। चेक कर लो बेटा, 100 मैचेस 101 छक्के 15 स्टंप, 15 स्टंप भी बता दिए, 2 विकेट कीपर है, टेस्ट में स्टंप करता है ये। तो एंड हो गया सीन भाई, पकड़ के बता के घंटा बजा दिया आपका इंडिया की सी टीम ने। इंडिया की उस सी टीम ने जिसको भाई इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस ही नहीं है, पकड़ के बजा दिया घंटा इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का। भाईजान ये मैं कहता हूं कि ये इंडिया का टिपिकल टैलेंट है, हमारे लोगों के पास स्किल्स कुछ वाली चीज भी नहीं है, ठीक है। अक्षर पटेल ने जिस तरह मिडल ओवर में आके बॉलिंग किया ना, वो मैच का इंपैक्ट प्लेयर है, वो मैच का टर्निंग पॉइंट वाला बंदा है जिसने मैच इंडिया के हाथ में दिया है। रिंकू सिंह 8वें ओवर में बैटिंग के लिए आया, उसने आते सार टाइम लिया, फिर 46 उसने जो किया ना, वो 46 बेसिकली ये था जो आज इंडिया को मैच जीता आगे गया। फिर आता है जितेश शर्मा भाईजान, वो जिस तरह बैटिंग कर रहा था ना, मुझे लगा कि बंदे के पास पता नहीं 150 मैच का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। भाई जब आपके दूसरे एंड के ऊपर एक ऐसा प्लेयर खड़ा हो ना जो किसी भी सिचुएशन में आके ब्लक 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 छक्का मार सकता है, तो फिर जो इस एंड पे खड़ा था ना वो भी कहता है यार मैं भी किसी से काम नहीं हूं, मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि मैं प्रॉपर टैलेंट और स्किल के साथ सिस्टम से निकल के आया हूं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर जितेश शर्मा दोनों ने मिलके घंटा बजाया ऑस्ट्रेलिया का, ये आया होता है मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। देखो ट्रैवल सैड था लेकिन पोट छंदना भी नहीं सका, सारे थे लेकिन कर कुछ नहीं सके। करता वही है बेटा जिसके बाजू में दमखम होता है, और इंडिया के बाजू में दमखम है। उन्होंने ये चीज बता, देखो निकल पाए जरा रिकी पॉन्टिंग, परसों ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गया, भाईजान का स्टेटमेंट आ गया जी, अब ऑस्ट्रेलिया इधर से बाउंस बैक करके सीरीज अपने नाम करेगा, मेरा छनकना अपने नाम करेगा। सामने बाबर आजम की टीम नहीं खेल रही, सामने घंटे आजम की टीम नहीं खेल रही कि जो प्लेट में रख के मैच देती है, भाईजान ये मैच ले लो, ये आपका मैच है, ये आप ले लो, हमारा तो था ही नहीं कभी, ये आपके आप ले जाओ बेटा, सामने इंडिया का टैलेंट खेल रहा है। तो भाई साहब कैसा हुआ तमाम, यंग इंडिया ऑन द राइज और टीम इंडिया को मिली T20 सीरीज की विक्ट्री। कहानी इतनी सी रही कि टीम इंडिया ने एक बेहतरीन बॉलिंग के बदौलत और स्पेशली इसमें रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल का जो रोल था, क्योंकि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया की इनिंग्स को खत्म किया और अपनी इनिंग्स को शुरू किया, वो शुरू के आखिर के 2 ओवर और ऑस्ट्रेलिया के शुरू के 3 ओवर या 5 ओवर तक गेम ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 2-2 कर देगा, लेकिन देन रवि बिश्नोई केम इन, और जिस तरह मैं इस बच्चे को कहता हूं, इस लड़के के दिल नहीं इसके अंदर शेर का दिल है, लाइन्स हार्ट की तरह ये बॉलिंग करता है, और क्या जबरदस्त इंटेंट, एक वो कहते हैं ना विकेट टेकिंग स्पिनर है, उसकी एटीट्यूड में दिखता है विकेट टेकिंग एबिलिटी, और इस पूरी सीरीज में रवि बिश्नोई बड़ा इंप्रेस कर रहा है, और हर दफा रवि बिश्नोई ने उन फेजेस के अंदर विकेट ली हैं जहां सूर्य कुमार यादव एज अ कैप्टन को विकेट की जरूरत होती थी, लेकिन जिस तरीके से अक्षर पटेल ने आज अपने एक्सपीरियंस का मुजाहिरा किया, हाउ ही कट ऑन द पेस, आपने आगे वाले बॉल खिलाने के लिए ना कट डाउन कर दिया था रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल दोनों ने, 8 ओवरों में 33 रन दिए हैं, विकेट भी अपने नाम लिए, पूरा मोमेंटम भी वहां से तोड़ दिया, और ऑस्ट्रेलिया के पास कुछ करने को नहीं था सिवाय इसके कि वो फास्ट बॉलर्स को अटैक करें। अगर 4 विकेट इन दोनों के दरमियान होगी 33 रन मैच देखे 8 ओवर में, वो भी कैसे कॉन्टेस्ट में जो कि T20 कॉन्टेस्ट है, 175 टू चेज है, सो आप कमर तोड़ ही देते हो अपने ओपोनेंट का, 44-0 था ऑस्ट्रेलिया, और जब आप 175 की चेज में होते हो ना, तो अगर आप 3 ओवर में 40 रख चुके हो 18 बॉलों में, सो आप समझते हो कि गेम वहां से डन हो गया है, लेकिन वहां फिर बहादुरी रवि बिश्नोई जैसे बॉलर की कि जहां वो आता है और वो विकेट निकालता है अपनी पहली बॉल के ऊपर, मतलब इट वाज जस्ट डैम टू गुड बाय हिम, ही वाज राइट ऑन द मनी एंड सो वाज अक्षर पटेल, ये दोनों की बदौलत आज इंडिया ये गेम जीता। तो दिस वाज द यंग इंडियन साइड, दे प्ले फ्रॉम द स्टार्ट एंड दे वन द फर्स्ट 2 मैचेस अगेंस्ट अ मच स्ट्रॉन्गर ऑस्ट्रेलियन टीम, तो देयर परफॉर्मेंस टुडे वाज आउटस्टैंडिंग अगेन, एंड ये जो बंदा है जो डायनामाइट पॉकेट है ना जिसका नाम है रिंकू सिंह, यार फिर बड़ी अच्छी इनिंग्स खेल गया आज, ये रिंकू सिंह मुझे बहुत मतलब ही इज इंप्रेस्ड मी अ लॉट यार, तो आज रिंकू सिंह जिसका खेला है ना, और जो चीज अच्छी जो मुझे नजर आई रिंकू में वो ये कि यार बिकॉज ही इज आल्सो प्लेड अ लॉट ऑफ लिस्ट ए क्रिकेट एंड डोमेस्टिक क्रिकेट, ही इज गॉट द एबिलिटी टू मतलब एक्सेलरेट वेरी मच टू एक्सेलरेट, बहुत अच्छे सीधे हिट्स मारता है, और जहां जरूरत है अप्लाई करने की अपने आप को पेशेंस से खेलने की, लेकिन रिंकू रियली प्लेड वेरी वेल एंड मतलब द गाय इज मटेरियल है यार, बंदे में मतलब ट्रू ग्रेट है, लेकिन एकदम से 3-4 विकेटें गई इंडिया की उसके अंदर ये रहता कि मतलब यू नो दे माय स्ट्रगल टू इवन रीच 150, बट देन दिस फेलो रिंकू और फिर ये जितेश शर्मा 35 की इसने, दोनों ने बहुत ज्यादा बैटर, दोनों 4 विकेटें ले गए, अक्षर भी अच्छी बॉलिंग कर गया उसने, वेरी इकोनॉमिक टू बॉलिंग, 4 में 16 और 3, फिर बिश्नोई 4 में 17 और 1, और फिर फॉर्चुनेटली फॉर इंडिया आज उसने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसने भी 4 ओवर में 33 रन दिए, तो जब आप एक कम स्कोर को डिफेंड कर रहे होते हैं तो आपके 2-3 बॉलर्स को मतलब थ्रू आना होता है, एंड दे केम थ्रू टुडे, बिश्नोई इज अ गुड बॉलर यार, मुझे बड़ा पसंद है बच्चा, मतलब यार इसके अंदर वही रिंकू सिंह वाली चीज है, इसके अंदर भी एक बॉन वो, तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया और शोएब अख्तर ने तारीफ किया टीम इंडिया की इस जीत को लेकर, क्योंकि टीम इंडिया अब ये सीरीज अपने नाम कर लिया है, और ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया शायद बाउंस बैक कर लेगा,
क्योंकि जो तीसरा टी20 था वो अच्छे खासे जो एकदम के साथ मैच ने जिस तरीके से जिताया था वो ऐसा लग रहा था कि भाई ऑस्ट्रेलिया जील होकर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे बॉलर जो थे वो सही साबित हुए कि भाई इस पिच में जिस तरीके की बॉलिंग की जरूरत थी टीम इंडिया से, उस तरीके की बॉलिंग अटैक हमको देखने को मिला। क्योंकि पहले जो तीन टी20 आए थे उसमें भारत तो मार रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी हमारी बॉलिंग अटैक को बहुत ज्यादा मार रहा था। लेकिन इस जो मतलब जो ये हुआ मैच, इसमें ऑस्ट्रेलिया कुछ ना कर पाया। पहले 5 ओवर को छोड़ के ऑस्ट्रेलिया बैट्समैन पूरी तरह फ्लॉप रहे, और जिस तरीके से बॉलिंग आगाज हुई रवि बिश्नोई की तरफ से जितना भी तारीफ किया जाए उतना कम है। और जो अक्षर पटेल ने भी बॉलिंग किया उनकी भी तारीफ करना चाहिए, क्योंकि फंसी हुई पिच में अक्षर पटेल की बॉलिंग बाकी कहीं पर आप देखते होंगे टेस्ट में भी काम आता है और ऐसे भी काम आया, और पूरी तरह से एक यंग टीम को साथ भारत जो उतरा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और सीरीज भी जीत लिया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। और भारत की इस जीत को लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।